हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सुबह स्टार्ट करते हैं आज की अपने इस क्लास को। फटाफट से आप सभी लोग जुड़ जाएं, एक मिनट के बाद सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो 35 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं आज के सेशन में। क्लास स्टार्ट हो चुकी है। देवेंद्र, धरोक, रवि, आर्यन, दीपक, सभी का स्वागत है सेशन में। फटाफट से आप सभी लोग जुड़ जाएं, उसके बाद हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और भाई 18 अगस्त से कई सारे नए बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप SSC के किसी एग्जाम को टारगेट करके तैयारी कर रहे हैं तो कंप्लीट कोर्स आपको घर बैठे यहाँ पर मिलने वाला है। SSC के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म यहाँ पर आपको रहने वाला है, ठीक है। SSC के अंदर जितने भी एग्जाम होंगे सभी के कोर्सेज आप एक ही सब्सक्रिप्शन में प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो ये सारे बैचेस आपके 18 अगस्त से रन हो चुके हैं, स्टार्ट हो चुके हैं। अभी आप इनको ज्वाइन करेंगे तो आप शुरुआत से ही फायदा इसका उठा पाएंगे। एक बार फटाफट सभी लोग जुड़ जाइएगा, फिर स्टार्ट करते हैं हम सेशन को, ठीक है। कुछ बैचेस आपके 9th मंथ की ड्यूरेशन से हैं, कुछ आपके फुल ईयर की ड्यूरेशन के साथ आपको मिलने वाले हैं। और एक नया फीचर अभी बहुत ही बेहतरीन, आस्क डाउट बाय अनअकैडमी, तो प्लस स्टूडेंट के लिए यहाँ पर अपने डाउट आप पूछ सकते हैं इस तरीके से, और उसका जो है जवाब आप प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग, जुड़ जाएं एक बार सभी लोग, उसके बाद हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। फिलहाल चल रहा है अभी आपका अगस्त ऑफर अनअकैडमी पर, तो 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन पर 3 मंथ की एडिशनल वैरायटी मिल जाएगी। 2 ईयर पर आपको 6 मंथ की एडिशनल वैरायटी मिल जाएगी। जब मैं 7000 में आप 30 मंथ के लिए सब्सक्राइब कर पाएंगे अनअकैडमी प्लस को। यूज करिएगा SP स्टडी कोड, यहाँ से आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट। चलिए फटाफट सेशन को लाइक एंड शेयर कर दें सभी लोग। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, जितने भी लोग जुड़ चुके हैं। तो आप जब भी प्लस सब्सक्रिप्शन लें SP स्टडी कोड का इस्तेमाल करें, यहाँ से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट आपका मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं भाई। एवरी संडे SSC कॉम्बैक चलता है, इसमें जरूर आप लोग एनरोल किया करें। यहाँ पर आपकी काफी सारे प्राइजेस जीत पाएंगे। अगर अच्छी रैंक आपकी आती है तो 1 ईयर सब्सक्रिप्शन भी आप जो है यहाँ से जीत सकते हैं, ठीक है। चलिए, और भाई डेली रात को 9 PM चलती है, भाई 9 बजे क्या चलती है, एक आपकी स्पेशल क्लास रहेगी जो फ्री रहती है। जो अनअकैडमी पर नहीं है पहले से, अनअकैडमी के ऐप को स्टोर कर लीजिएगा सभी लोग। और फर्स्ट टाइम आपको एक कोड इस्तेमाल करना पड़ेगा भाई फ्री क्लास को अनलॉक करने के लिए, तो SP स्टडी का वहां इस्तेमाल आप लोग करिएगा। आज रात को होगी वो 8 बजे, ठीक है। आज रात को कितने बजे मुलाकात होगी अनअकैडमी पर आप सभी से? 8 बजे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सेशन को। आज काफी सारे लोग जुड़ गए यहाँ पर, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आंसर करिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन करेंगे आप सभी, राइट आंसर हमारा क्या होगा फर्स्ट क्वेश्चन का। पूछा गया आप लोगों से कि विधानसभा में 500 से अधिक और कितने से कम सदस्य नहीं हो सकते किसी भी राज्य के अंदर, वो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए आंसर दीजिएगा भाई, फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पर, सभी उत्तर दीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, यहाँ फटाफट आंसर देंगे। देखिए विधानसभा की बात करी जा रही है, क्वेश्चन एग्जाम में हमें देखने को मिलता है भी कितने से अधिक और कितने से कम सदस्य नहीं हो सकते, क्वेश्चन कई बार पूछा था। तो 500 से तो अधिक नहीं हो सकते, ठीक है। चलिए बिल्कुल आकाश आर्यन करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का आंसर यहाँ पर। तो बात करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में, तो यहाँ पर सही उत्तर हमारा क्या बनने वाला है, राइट आंसर होगा आपका 60, ऑप्शन ए पर आपका दिया गया है। यानी कि भाई 60 से कम नहीं हो सकते आपके राज्य विधानसभा की जो सीटें हैं उनकी बात आपसे यहाँ पर करी जा रही है, और 500 से अधिक नहीं हो सकते। कितने? 500 से अधिक ये नहीं हो सकती इसकी संख्या। इसके अलावा बात करेंगे भाई हमारे किस आर्टिकल में आपका जिक्र किया गया है विधानसभा के बारे में भी, आपका राज्य की विधानसभा होगी। सो हमें याद रखना है आर्टिकल 168, ठीक है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में हमें देखने को मिलता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन ए बन जाएगा, विधानसभा में 500 से अधिक और 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते। देखिए 60 तो कई सारे राज्यों में है आपका, तो वो तो इतना जरूरी नहीं याद रखना। सबसे ज्यादा किस राज्य में है तो याद रखिएगा 403 है, कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट की संख्या भी सबसे ज्यादा है, इसके अलावा लोकसभा सीटों की संख्या भी ज्यादा है, और राज्यसभा सीटों की संख्या भी सबसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा जनसंख्या है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करेंगे तो भाई टॉप पे आपका राजस्थान आएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है, कितनी है? 403 है। ऐसी चीजें पूछी जाती है परीक्षा में, और 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते, 500 से अधिक नहीं हो सकते, किसमें? आपका राज्य की विधानसभा के अंदर ये प्रावधान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब आप लोग, राइट आंसर क्या होगा। भारतीय वायुसेना के पिता के रूप में भी किसको जाना जाता है, यानी कि वो इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन एयरफोर्स, वो आप लोगों को बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन, भाई आप लोग 2 करेंगे यहाँ पर सभी, ठीक है। चलिए 2 का आंसर हमारा क्या होगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कहता है कि भारतीय वायुसेना के पिता के रूप में, जनक के रूप में, फादर के रूप में किसको जाना जाता है, वो आप लोगों से यहाँ पर पूछा जा रहा है। आंसर करेंगे भी सभी लोग, राइट आंसर हमारा यहाँ पर क्या बनेगा, ठीक है। चलिए अंजू जी, वेरी गुड मॉर्निंग,
क्लास भी थोड़ी लेट ही स्टार्ट हुई है। अभी अगर नंबर का क्वेश्चन ही आया आपकी स्क्रीन पर, देखिए बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर टू के बारे में कि फादर ऑफ इंडियन एयरफोर्स के नाम से रूप में किसको जानते हैं। ये पहले ऐसे भारतीय होते हैं जो कि आपका चीफ बनते हैं एयरफोर्स के, ठीक है। पहले आपका 1954 में बनते हैं, उसके बाद आपका पहले भारतीय के रूप में चीफ बनते हैं 1955 में। इनका नाम रहेगा आपका सुब्रतो मुखर्जी, जो ऑप्शन ए पर आपका दिया गया करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए पर दिया गया है सुब्रतो मुखर्जी, जो है आपका 1955 में भारतीय सेना भारतीय वायुसेना के प्रथम जो है चीफ बनते हैं जो भारतीय होते हैं, ठीक है। 1900 बात करें आपका 50 से 54 तक तो आपके अंग्रेजी रहते हैं अभी, ठीक है। 1954 में आपका कोई पहला बनता है तो वो रहते हैं आपके सुब्रतो मुखर्जी, फिर ये चीफ बनते हैं आपके 1955 में भारतीय वायुसेना के, जो कि पहले भारतीय होते हैं इस पद पर पहुंचते हैं, ठीक है। चलिए पहले अध्यक्ष याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर थ्री करेंगे हम, थ्री का आंसर क्या होगा। देखिए 5 अप्रैल 2021 को यहाँ पर किस राज्य के द्वारा कोविड टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठी उपहार योजना स्टार्ट करी है वो आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। दीजिएगा आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री आपसे कहता है कि 5 अप्रैल 2021 को किस राज्य ने कोविड टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठी उपहार योजना स्टार्ट की है। पूछा जा रहा है भाई किस राज्य की सरकार के द्वारा की गई है, किस राज्य में आपकी ये एक अनूठी उपहार योजना स्टार्ट की है जिससे कोविड टीकाकरण को बढ़ावा मिले यहाँ पर। चलिए दीजिएगा राइट आंसर हमारा क्या बनने वाला है इस क्वेश्चन का, सभी लोग आंसर दीजिएगा। तो देखिए थ्री का राइट आंसर हमारा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा अप्रैल 2021 में जो आपका कोविड टीकाकरण है इसको बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर स्टार्ट करी जाती है। याद रखिएगा परीक्षा बन सकता है क्वेश्चन इस प्रकार का, राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन जो दिया है बी पर, बिल्कुल। अगर आपको ऑप्शन यहाँ पर बी आ रहा है उत्तर प्रदेश, बिल्कुल सी आंसर हो जाएगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के द्वारा एक और यहाँ पर मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना चलाई गई थी, जिन बच्चों के आपके माता पिता कोविड 19 के चलते आपका मृत्यु उनकी हो जाती है तो वहां पर आपका राज्य सरकार उनको 4,000 रुपए देगी। तो मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना भी स्टार्ट करी जाती है आपके उत्तर प्रदेश में, ठीक है। वर्तमान में योगी आदित्यनाथ जी 22वे मुख्यमंत्री है यहाँ के। चलिए आनंदीबेन पटेल गवर्नर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, फोर करेंगे आप लोग। देखिए फोर आपसे कह रहा है कि चार यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर चार कह रहा है कि अप्रैल 2021 में अटल इनोवेशन मिशन के नए जो है मिशन निदेशक के रूप में नियुक्ति हुई है भाई किसी की, तो वो आप लोगों से यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भाई किसकी नियुक्ति हुई है। क्वेश्चन नंबर फोर आपसे यहाँ पर कह रहा है, बिल्कुल भाई। तो क्वेश्चन नंबर आप लोग यहाँ पर फोर करेंगे सभी, राइट आंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा, क्या पूछा गया है। अटल इनोवेशन मिशन के मिशन निदेशक के रूप में नियुक्ति हुई है यहाँ पर आपका, क्योंकि रामनाथन रामनान का जो है स्थान लेते हैं, तो कौन है भाई वो आपसे पूछा जा रहा है। देखिए जो ऑप्शन बी पर दिए गए हैं रवि, इनका स्थान लेते हैं, कौन लेते हैं स्थान ये आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो आपका अप्रैल 2021 में अटल इनोवेशन मिशन के मिशन निदेशक के रूप में आपका चिंतन वैष्णव जो है आपका नियुक्त करी जाते हैं, ठीक है। अब आपका रामनाथन की जगह किसको चिंतन करना है अभी आपका अटल इनोवेशन मिशन का, तो वो करेंगे चिंतन वैष्णव। तो ऑप्शन हमारा ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इनका स्थान लेते हैं ये, और अटल इनोवेशन मिशन की बात करेंगे तो ये पहल आपकी किसकी रहेगी, नीति आयोग की। किसकी, नीति आयोग की आपकी ये पहल रहेगी, याद रखिएगा। जो हमारा नीति आयोग है 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह पर इसको स्थापित करा जाता है नीति आयोग, तो ये आपका इसकी पहल रहेगी। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो गया भाई यहां पर, ठीक है। चलिए फाइव करेंगे, सिंपल सा है, उम्मीद है आप इस आंसर दे पाएंगे क्वेश्चन को देखते ही, कुछ ज्यादा है नहीं क्वेश्चन में, पढ़ चुके हैं कई बार। यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में कितने भारतीय स्थल शामिल हैं वो आपसे पूछा जा रहा है, दीजिए आंसर। अभी तक आपकी बात करी जा रही है वर्तमान में कितने स्थल हैं वो आप लोगों को बताने हैं, ठीक है। चलिए बिल्कुल आंसर दीजिएगा, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है आपके। सभी उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर हमारा क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव कहता है आप लोगों से यहाँ पर कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात करी जा रही है, सबसे ज्यादा भारत में आपके कितने शहर स्थल शामिल हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। सो राइट आंसर हमारा बनेगा यहाँ पर ऑप्शन जो डी पर दिया गया 40 बनता है अभी आपका गुजरात के अंदर जो स्थित है आपका एक प्राचीन शहर हमारा हड़प्पा, हड़प्पा का जो रहेगा आपका धौलावीरा, ठीक है। जो धौलावीरा है वो 40वां बनता है, 39वां तेलंगाना का रामप्पा मंदिर बनता है अभी आपका भी, इससे पहले 48 शहर हुआ करते थे, जुलाई में आपका ये दो और ऐड हो जाते हैं।
46 क्या है, वो रामसर साइट है, जो अभी हाल ही में 4 साइट, 2 गुजरात 2 हरियाणा की ऐड होती हैं, तो 46 हमारे पास अब रामसर साइट हो गई हैं और 40 हो चुके हैं यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, तो ये चीज भी याद रखिएगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी बन जाएगा। सबसे ज्यादा अगर बात करें तो भाई इटली में रहेंगी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपको देना है, राइट आंसर क्या होगा। देखिए प्रथम रोहिल्ला युद्ध जो होता है उसके दौरान गवर्नर जनरल कौन था, वो आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर है, प्रथम रोहिल्ला युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल कौन था वो आपको बताना है। ठीक है कविता जी, वेरी गुड मॉर्निंग, आंसर दीजिएगा। तो क्या होना चाहिए आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। 6 कहता है आपसे यहां पर कि प्रथम रोहिल्ला युद्ध जो है ये पूछा जा रहा है कि गवर्नर जनरल कौन था इस दौरान, कौन हो सकता है अभी आपका यहाँ पर गवर्नर जनरल, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। कब होता है प्रथम रोहिल्ला युद्ध की बात करें, 1773 में होता है और यहाँ पर एक आरोप लगता है इस गवर्नर जनरल पर और इसके खिलाफ चलाया जाता है महाभियोग। पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन कि किस गवर्नर जनरल के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया जो है चलाई जाती है, तो याद रखिएगा वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, जो ऑप्शन हमारा डी पर दिया गया उसमें एक कारण ये भी रहता है आपका कि रोहिल्ला युद्ध में आपका कुछ आरोप लगते हैं इसके ऊपर और इसके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है, हालांकि कुछ समय बाद ही उससे आरोपों से बरी हो जाता है। ठीक है, सो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा यहाँ पर, जो ऑप्शन डी पर दिया है वॉरेन हेस्टिंग्स पहला गवर्नर जनरल आपका कहलाता है कहाँ का, बंगाल का। ठीक है, विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल बनता है, भैया भारत का पहला गवर्नर जनरल अगर आपसे पूछे जाए तो याद रखिए विलियम बेंटिक इसका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन जो डी पर दिया गया है करेक्ट बनेगा। चलिए इसके अलावा इसके दौरान आपका कुछ प्रमुख घटनाएं होती हैं, जैसे कि हम बात करें रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आता है भाई, बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करी जाती है, तो कुछ प्रमुख घटनाएं जो अक्सर एग्जाम में हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा शाह आलम द्वितीय जो था आपका, तो उसकी पेंशन भी बंद कर दी जाती है भाई इसी के दौरान। अगला क्वेश्चन करेंगे आप लोग, 7 का आंसर क्या होगा, परीक्षा में आया हुआ है, फटाफट आंसर देंगे। चलिए मनोज जी वेरी गुड मॉर्निंग, क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे सभी लोग। तो 7 आपसे कहता है कि द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, ये आप लोगों को बताना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है, दीजिए आंसर। चलिए वेरी गुड, आंसर आ रहा है कुछ लोगों का यहाँ पर, द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर की बात आपसे करी जा रही है, सभी लोग आंसर दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए आरएन एंड रवि करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का आंसर, बिल्कुल मनोज करेक्ट हो जाएगा, राहुल जी वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए यहाँ पर द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर की बात की जा रही है, यानी कि एक विरोधाभासी प्राइम मिनिस्टर किसके द्वारा लिखित है, ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहेंगे शशि थरूर, जो कि केरल के तिरुवनंतपुरम से सांसद हैं। ठीक है, तो इनके द्वारा लिखे थे 2018 में, अक्टूबर के माह में जारी करी जाती है, कब 2018 में। और यहाँ पर कुछ लोग ऑप्शन ए दे रहे हैं, याद रखिए संजय बारू आपके किसके लेखक होंगे, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर जो पुस्तक है आपकी। ठीक है, एक्सीडेंटल जो प्राइम मिनिस्टर, इसके ऊपर मूवी भी बन चुकी है जिसमें आपका अनुपम खेर जो है आपका मनमोहन सिंह की भूमिका निभाते हैं। तो ये कौन है, उनके निजी मीडिया सचिव रहते हैं संजय बारू, इनके द्वारा लिखित है एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, ये क्वेश्चन भी हमें एग्जाम में देखने को मिल चुका है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा, डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। शशि थरूर की अन्य पुस्तकें भी बहुत पूछी जाती है, बैटल ऑफ बिलोंगिंग इनकी 2020 में आती है, वाई आई एम ए हिंदू, ये सारी पुस्तकें एग्जाम में कई बार देखने को मिली है। ठीक है, एन एरा ऑफ ब्रिटिश बैटल ऑफ बिलोंगिंग, ये सारी क्वेश्चन काफी बार पूछे गए हैं। इसके अलावा अरुंधति भट्टाचार्य के बारे में बात करेंगे तो इनकी भी पहली पुस्तक रहती है 1997 में, क्या नाम रहता है जिसके लिए इनको बुकर प्राइज मिलता है, मैन बुकर प्राइज मिलता है, पहली भारतीय महिला रहती हैं, मैन बुकर प्राइज जीतने वाली 1997 में, तो पुस्तक का नाम रहेगा द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, 8 करेंगे अब आप लोग, बहुत ही सिंपल है, इजिली आंसर आप दे पाएंगे। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों से कह रहा है यहाँ पर, द गॉड ऑफ, यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे कि कौन सा संविधान संशोधन है जिसने मतदान की आयु 21 से 18 कर दी। कई बार एग्जाम में आता है, अभी भी आपका सीएचएस में कुछ दिन पहले भी पूछ लिया गया, पहले भी कई बार एग्जाम में आया है, ऐसा नहीं हो काफी बार एग्जाम पूछा गया ये क्वेश्चन, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या होगा। चलिए देखिए हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में, 21 से 18 कर दी जाती है, पर हम कई बार डिस्कशन कर चुके हैं अच्छे से, यहाँ पर से क्वेश्चन भी काफी सारे बनते हैं, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा 61वां संविधान संशोधन। कब होता है भी आपका ये, होता तो 1988 में है, लागू होता है आपका 1989 में। इस दौरान हमारे भारत के प्रधानमंत्री कौन होंगे, इस दौरान भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन होंगे, तो याद रखिएगा उस समय आपके प्रधानमंत्री कौन रहते हैं, वो रहते हैं भाई हमारे राजीव गांधी जी, सबसे युवा प्रधानमंत्री भारत के
राजीव गांधी अब तक के 40 ईयर की एज में आपका प्राइम मिनिस्टर बनते हैं ये, तो राजीव गांधी जी उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। अब यहाँ पर हुआ क्या है, 21 से 18 कर दी गई है, तो यानी कि वोटर्स कुछ बढ़ जाएंगे, तो जो चुनाव आयोग है हमारा, मुख्य चुनाव आयोग तो एक ही रहता है, उस पर काफी भार बढ़ेगा यहाँ पर, तो दो अतिरिक्त यानी कि दो एडिशनल जो आपके चुनाव आयुक्त होते हैं 1989 से इनकी नियुक्ति होने लगी है। ठीक है, तो क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि भी दो अतिरिक्त चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किस वर्ष से होने लगी है, तो भाई ये होने लगी है 1989 से, जब आपका लागू हो जाता है एक सर्व संविधान संशोधन, यहाँ पर 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी जाती है। ठीक है, देखिए पहले 21 वर्ष में अगर हम बात करें तो मेच्योरिटी यहाँ पर प्राप्त होती थी, आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी वोट देने का अधिकार रखते हैं, पॉलिटिक्स वगैरह की जानकारी रखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 61वां संविधान संशोधन। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, प्राइम मिनिस्टर उस समय हमारे राजीव गांधी रहेंगे, ये चीज याद रखिएगा। और यहाँ पर दो अतिरिक्त चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भी स्टार्ट करी जाने लगी। ठीक है, चलिए अब आप लोग 9 करेंगे, सभी लोग राइट आंसर क्या होगा, उड़ीसा ने अपना 86वां स्थापना दिवस मनाया अभी अप्रैल के माह में, तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर हमारा क्या होगा। उड़ीसा की बात आपसे करी जा रही है, राइट आंसर हमारा यहाँ पर क्या बनने वाला है, फटाफट से आंसर देंगे सभी। देखिए जो हमारा उड़ीसा राज्य, इसकी बात आपसे करी जा रही है कि 86वां स्थापना दिवस मनाया है इसने, तो 1936 में तो इसकी स्थापना करी जाती है। ठीक है, उड़ीसा राज्य की, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो राइट आंसर होगा आपका यानी 1 अप्रैल। ठीक है, 1 अप्रैल 1936 को स्थापना होती है भाई उड़ीसा की, और उत्कल डे के रूप में मनाया जाता है आपका यहाँ पर, उसका पुराना नाम उत्कल रहेगा उड़ीसा का। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का क्या बनेगा भाई, जैसा कि आप लोगों का आंसर यहाँ पर आ रहा है, सही आंसर हमारा बन जाएगा जो ऑप्शन डी पर दिया गया है, 1 अप्रैल। ठीक है, बिल्कुल 1 अप्रैल 1936 को बिहार से अलग होता है बिल्कुल आपका कौन, उड़ीसा यहाँ पर, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बन जाएगा। ठीक है, राजधानी भुवनेश्वर है भाई यहाँ की, और वर्तमान में सीएम है नवीन पटनायक, और गणेशी लाल यहाँ के राज्यपाल है, क्वेश्चन अभी रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया था एसएससी के में। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे आप लोग, राइट आंसर हमारा क्या बनेगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कहता है कि कौन सा है इनमें से जो 5 जगत वर्गीकरण में शामिल नहीं था, वो आप लोगों को यहाँ पर बताना है। सभी लोग उत्तर दीजिएगा फटाफट से, सभी के कमेंट में देख रहा हूँ यहाँ पर, फटाफट आंसर दीजिएगा। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है आप लोगों से, इनमें से कौन था जो कि 5 जगत वर्गीकरण में शामिल नहीं था, वो आपको यहाँ पर बताना है, दीजिए आंसर। चलिए ऑप्शन किसी का ए किसी का सी आ रहा है यहाँ पर, क्या होना चाहिए आंसर हमारे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति रहे हैं आर एस वी टेकर रहते हैं, जो 1969 में यहाँ पर एक काम करते हैं, यानी कि अगर हम बात करें तो 5 जगत वर्गीकरण देते हैं, सभी जीव जंतुओं को किसमें 5 वर्गों में रख देते हैं, यानी कि 5 जगत वर्गीकरण उसको कहा गया, 5 किंगडम सिस्टम उसको कहा गया क्लासिफिकेशन का। तो यहाँ पर आपका आर के व्यक्ति तो बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, यहाँ की ये आपका कोई उसमें जगत नहीं रहा था, 5 जगत वर्गीकरण में शामिल नहीं था, ये आपका किसके अंदर पड़ेंगे, इसको प्लांट के अंदर पड़ेंगे, बैक्टीरिया क्या है, जीवाणु क्या है, अगर आपसे मैं पूछूं कि भाई आपका जो जीवाणु है बैक्टीरिया है ये क्या है, तो ये प्लांट्स है, किसके अंदर पढ़ते हैं हम इसको, पौधों के अंदर पढ़ते हैं। अब कारण क्या है पौधों के अंदर पढ़ने वाला, फटाफट आप कमेंट में छाप देंगे जल्दी से कि भाई पौधों में क्यों पढ़ते हैं बैक्टीरिया को, बताएंगे सभी। देखिए मोनेरा प्रोटिस्टा कवक, इसके अलावा प्लांट्स एंड आपका जो जंतु है ये साइड रहेंगे एनिमल, तो ये 5 जगत वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया, आर एस व्हिटेकर के द्वारा दिया गया यहाँ पर, याद रखिएगा। चलिए बिल्कुल, देखिए अब इन बैक्टीरियास को अगर हम बात करें पौधे के रूप में क्यों पढ़ते हैं, तो इनके ऊपर जो इनकी सेल कोशिका है उस पर आपकी क्या होती है, कोशिका भित्ति होती है, इनकी सेल वॉल होती है, और सेल वॉल का पाया जाना पौधों की विशेषता है, किसकी, पौधों की विशेषता। अगर आपसे मैं कहूं कि आपकी इस कोशिका के ऊपर सेल वॉल होगी, कोशिका भित्ति होगी, तो बिल्कुल नहीं होगी भाई, क्योंकि हम क्या है भाई, हम जंतु हैं, हमारी कोशिका के ऊपर सेल वॉल नहीं होगी, कोशिका भित्ति नहीं होगी। अब बैक्टीरिया पर कौन सी होगी, तो पेप्टाइडोग्लाइकोन की बनी होती है, वो आपकी सेल वॉल रहती है। और पौधों की बात करेंगे तो सेल्यूलोज की, ठीक है, सेल्यूलोज की किसके बनी होती है, पौधों पर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम पूछा था। कवक क्या है भाई, कवक को भी हालांकि इसी के अंदर पढ़ेंगे, ये भी आपका क्या होते हैं, एक तरीके पौधे होते हैं, और इनके ऊपर आपका काइटिन की होती है, किसकी, काइटिन की सेल वॉल होती है, ये भी पूछा था एग्जाम क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं 11 की ओर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आंसर दीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर, कि किसने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 जीता। इसका नाम आप मेजर ध्यानचंद हो चुका है, खेल रत्न तो याद रखिएगा, किसने जीता खेल रत्न 2020 में, कौन सा क्रिकेटर रहा है इनमें से, करिएगा। सिंपल सा है, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम में बनते हैं ऐसे क्वेश्चन आपके। देखिए अब तक क्रिकेटरों की अगर बात करी जाए तो पहले क्रिकेटर कौन थे जिसको खेल रत्न दिया गया, अगर आपसे ये पूछा जाए पहले क्रिकेटर कौन थे जिसको खेल रत्न दिया गया, एक बार कमेंट में बताएंगे आप सभी लोग। चलिए तो बात करते हैं 11 के बारे में, राइट आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा। पांच व्यक्तियों को टोटल दिया था, उसमें से आपके क्रिकेटर रहते हैं जिनका नाम है रोहित शर्मा, 2020 में इनको खेल रत्न दिया जाता है। अगर आपसे मैं पूछूं भाई पहले क्रिकेटर कौन रहे होंगे, चलिए अब ठीक है, थोड़ी सी बफरिंग हो ही जाती है तो बीच में। चलिए अब यहां पर हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा किसके बारे में, राजीव गांधी खेल रत्न के बारे में, ठीक है। इसका नाम मेजर ध्यानचंद जो हो चुका है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर हम आपसे पूछा जाए कि पहले क्रिकेटर कौन रहे हैं जो सचिन तेंदुलकर दिया जाता है सबसे पहले, और उसके बाद 2007 में दिया जाता है किसको, MS धोनी को, ठीक है, MS धोनी को 2007 में, 2018 में मीराबाई चानू के साथ आपका विराट कोहली, दो व्यक्ति को दिया जाता है, विराट कोहली हो गए तीसरे क्रिकेटर, और चौथे क्रिकेटर बनते हैं भी आपके खेल रत्न प्राप्त करने वाले रोहित शर्मा, ठीक है। याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा, केवल चार क्रिकेटरों को मिला है अभी तक खेल रत्न, कौन कौन से हो गए आपके, सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, विराट कोहली एंड आपके रोहित शर्मा 2020 में, तो टोटल कितने चार क्रिकेटर हुए हैं। इस अवार्ड की बात करें तो रिसेंटली आपका 25 लाख रुपए की राशि दी गई थी 2020 वालों में, कितनी 25 लाख रुपए की राशि इसमें दी जाती है, ठीक है, याद रखिए। अब इसका नाम चेंज करके क्या रखा गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इसका नाम कर दिया गया है। चलिए सारी चीजें क्लियर है, सबसे पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको जाता है वो भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए यहाँ पर, तो वो याद रखिएगा, वो जाता है विश्वनाथन आनंद को 1991-2 में, ठीक है। अच्छा पहली महिला आपसे पूछी जाए कि आपका खेल रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन होंगी, तो एक बार आप लोग कमेंट बताएं, कुछ दिन पहले पढ़ा है हमने इसके बारे में कि फर्स्ट वुमेन कौन होंगी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली, क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में आपसे, आते हैं क्वेश्चन ऐसे, पहली महिला अगर आपसे पूछी जाए कि भाई खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली, तब आप लोगों का आंसर क्या होगा, इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। चलिए तो याद रखिएगा कौन होंगी भाई पहली महिला अगर आपसे पूछी जाए, देखिए क्वेश्चन बनता है ये वाला, तो जो आपकी वेट लिफ्टर रही हैं प्रणव मल्लेश्वरी वो आपकी पहली महिला होती हैं, बिल्कुल कुछ लोगों का आंसर आ गया यहाँ पर, वेरी गुड, अच्छी बात है, ऐसी चीजें अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं आपके यहाँ पर। चलिए 1994-5 में दिया गया था उनको प्रणव मल्लेश्वरी, जो वेट लिफ्टर रही हैं आपकी। अब अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, 12 कर लीजिएगा भाई, काफी हो गया इस क्वेश्चन के बारे में चर्चा, अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे सभी। चलिए मोनिका बत्रा को तो अभी दिया गया है 2020, पहली महिला पूछी जा रही है आपसे, मीराबाई चानू को 2018 में दिया गया था, कर्णम मल्लेश्वर याद रखिए गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब भाई क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे आप लोग, यहां पर पूछा गया आपसे एस डेजर्ट नाइट 21 भारतीय और किस सेना के मध्य, आप कौन सी वायुसेना के मध्य आपका जो है ये एक अभ्यास रहेगा, बताएंगे आंसर सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर दिया गया, इसका राइट आंसर देंगे आप सभी। चलिए आ गया कुछ लोगों का राइट आंसर इस क्वेश्चन का, RN रवि ऋषभ, अच्छी तैयारी चल रही है आप लोगों की, राइट आंसर हमारा फ्रांस हो जाएगा जो ऑप्शन डी पर दिया गया है, भारत और फ्रांस के मध्य, ऐसी चीजें बहुत आती हैं एग्जाम में, ऐसी चीजें अगर आप याद करके अच्छे से पढ़ के बैठे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल कहां पर होता है, जोधपुर में होता है, कब होता है, जनवरी के माह में होता है, जनवरी 2021 में जोधपुर में होता है आपका एक्स डेजर्ट नाइट 21 भारत और आपका फ्रांस के मध्य, याद रखिएगा क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन, आपका एक्स डेजर्ट नाइट 21 किसके किसके मध्य हुआ, तो यहाँ पर दो चीज चाहो तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, होता कहाँ है, जोधपुर में जनवरी 2021 में भारत और फ्रांस के मध्य, ठीक है, ऐसी चीजें एग्जाम में अक्सर पूछ ली जाती है, राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन जो डी पर दिएगा फ्रांस, इसका सही आंसर आपका बन जाएगा, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर,
देखिए कैग जो होता है आपका यहाँ पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की हम बात कर रहे हैं, तो इसका कार्यकाल की अवधि पूछी जा रही है भाई, कब तक इनकी आपकी कार्यकाल रहता है या फिर कितने वर्षों की आयु तक इनको जो है रखा जाता है, कितने वर्ष के बाद आपका रिटायरमेंट हो जाता है इनका, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर 13 का? चलिए अच्छी, बहुत ही बेहतरीन सिटी है भाई जोधपुर आपकी। अब बात करेंगे यहाँ पर 13 के बारे में, क्या पूछा जा रहा है आप लोगों से, कैग के कार्यकाल के बारे में बातें करी जा रही है आप लोगों से, किस अवधि के लिए या फिर आपका कितनी वर्ष तक की आयु जो भी पहले हो। तो याद रखिएगा यहाँ पर हम कैग की बात करेंगे, अनुच्छेद 148 के तहत आपकी प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्ति करी जाती है। वर्तमान में कौन से हैं भाई, 14वे कैग हैं, वो कौन है फटाफट से आप लोग एक बार कमेंट में बताएंगे। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी, 6 ईयर या 65 ईयर, जो भी पहले हो। ये आपका जो है नियम के अनुसार कितनी है, क्या है कैग की कार्यकाल अवधि रहेगी। वर्तमान में 14वे के रूप में कौन काम कर रहे हैं, अच्छे से पता होना चाहिए भी आपको। बिल्कुल जीसी मुर्मू जो है आपके, गिरीश चंद्र मुर्मू, जीसी मुर्मू जो है वर्तमान में काम कर रहे हैं अभी 14वे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में। ठीक है, अगला करेंगे आप लोग, राइट आंसर हमारा क्या होगा 14 का। दुनिया का पहला है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज है वो आपसे पूछा जा रहा है, उसका नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों को करना है, राइट आंसर हमारा क्या होगा। पूछा जा रहा है आपसे कि दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज है जो कि आपका बिना किसी व्यक्ति के काम करेगा, यहाँ पर फुल्ली ऑटोमेटिक रहेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि आपका जलीय स्तनधारी है उन पर आपका निगरानी रखेगा, प्रदूषण वगैरह का अध्ययन करेगा। सो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन जो डी पर दिया गया है, राइट आंसर होगा आपका मेफ्लावर 400। ठीक है, जो ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी दिया गया, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर। चलिए बिल्कुल, सो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा, जो ऑप्शन हमारा डी पर दिया गया है, जो ऑप्शन डी दिया गया है 400, याद रखिएगा आंसर हमारा सही होगा। दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज है आपका ये। ठीक है, फुल्ली ऑटोमेटिक आपका यहाँ पर रहने वाला है, और क्या करेगा, जलीय स्तनधारियों को ट्रैक कर सकता है, पानी और प्लास्टिक विश्लेषण करेगा, और समुद्री प्रदूषण का भी अध्ययन करने वाला है। आईबीएम के सहयोग से समुद्री अनुसंधान संगठन के द्वारा आपका इसको बनाया जाता है। ठीक है, तो नाम याद रखिएगा, यहाँ से हो सकता है क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए, 400 याद रख लीजिएगा। अब 15 की ओर बढ़ेंगे हम, यहाँ पर पूछा जा रहा है सतमाला जो आपकी हिल्स हैं ये किस राज्य में है, दीजिएगा आंसर। बिल्कुल रवि पढ़ चुके हैं, फटाफट से आंसर दीजिएगा इन क्वेश्चन का। अब देखिए सतमाला पहाड़ियां तो आपको बताऊंगी कहाँ पर है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका उच्चतम बिंदु क्या है, सतमाला हिल्स का जो उच्चतम बिंदु है तो वो क्या है, पूछा जाता है 1472 मीटर की ऊंचाई के साथ, तो यार क्या धोदाप है वो। ठीक है, धोदाप क्या है, सतमाला पहाड़ियों का उच्चतम बिंदु है, लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे महाराष्ट्र का उच्चतम बिंदु क्या है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। अब आप लोग कमेंट बताएंगे भाई कि महाराष्ट्र का हाइएस्ट पीक पूछा जाए आपसे कि हाइएस्ट पीक क्या है, तब आप लोगों का आंसर क्या होगा। महाराष्ट्र का अगर आपसे पूछा जाए हाईएस्ट पीक क्या है, तब आंसर क्या होगा, जो राज्यों के आपके उच्चतम बिंदु वहां से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, तो महाराष्ट्र की बात करेंगे तो कल सुबह ही हो जाएगा। ठीक है, कल सुबह 1646 मीटर, याद रखिएगा ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को हमें मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो भाई इंस्टाग्राम के सीईओ कौन है वो आपसे पूछा जा रहा है, सीईओ ऑफ इंस्टाग्राम पूछे जा रहे हैं आप लोगों से, को फाउंडर के रूप में भी हैं आपके ये, तो बताएंगे फटाफट से राइट आंसर हमारा क्या होगा 16 का। चलिए अब आप लोग आंसर करेंगे यहाँ पर, 16 का हमारा आंसर क्या होगा। इंस्टाग्राम की बात करी जा रही है आप लोगों से यहाँ पर, वर्ष 2010 में आपका स्थापित होता है इंस्टाग्राम, वर्तमान में आपका फेसबुक ने इसका अधिग्रहण कर लिया है, तो भी फेसबुक का हो चुका है, लेकिन पूछे जा रहे हैं आपसे सीईओ कौन है इसके, वो आपको बताना है। ठीक है, चलिए सभी लोग उत्तर दीजिएगा भी, राइट आंसर हमारा क्या बनने वाला है, और एक बार सेशन को लाइक कर देना जितने भी लोग अभी जुड़े हैं फटाफट से। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका जो दिया गया है यहाँ पर 16, इंस्टाग्राम के सीईओ पूछे जा रहे हैं आपसे, क्या होना चाहिए आंसर। चलिए सी आ रहा है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर, केविन सिस्ट्रोम इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई। वर्ष 2010 में स्थापना होती है आपके इंस्टाग्राम की, कब स्थापना होती है 2010 में आपका लॉन्च करा जाता है किसको, इंस्टाग्राम को, और यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो सी पर दिया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि 100 मिलियन प्लस करने वाले फॉलोअर की बात करी जाएगी, तो पहले भारतीय कौन है इंस्टाग्राम पर, बताएंगे एक बार आप लोग कमेंट में कि पहले भारतीय कौन होंगे जो कि आपका 100 मिलियन से अधिक उनके फॉलोवर होते हैं सबसे पहले, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर क्या होगा।
अब यहाँ पर हम क्वेश्चन की बात करें तो केविन सिस्टम इसका सी आंसर हो जाएगा। सुसंग की बात करेंगे तो ये यूट्यूब की हो जाएंगे भाई। कल्याण कृष्णमूर्ति की बात करें तो कल ही पढ़ा है हमने इनके बारे में, फ्लिपकार्ट के सी हो जाएंगे। शांतनु नारायण की बात करेंगे तो ये एडोब के सी है, ठीक है, इसके एडोब के सी है। शलिशनाया जी वेरी गुड मॉर्निंग। तो इसका राइट आंसर क्या बन गया भाई हमारे यहाँ पर, ऑप्शन जो सी पर दिया गया है। अगर आपसे मैं कहूँ 100 मिलियन प्लस फॉलोअर वाला पहला भारतीय कोई होगा तो वो है भाई क्रिकेटर विराट कोहली, ठीक है। विराट कोहली के आपका 100 मिलियन से ज्यादा है, अभी कुछ समय पहले 100 मिलियन देखे थे, अब तो और ज्यादा हुए होंगे। तो राइट आंसर हमारा याद रखिए ऑप्शन सी हो जाएगा। विराट कोहली याद रखिएगा सबसे ज्यादा आपके फॉलोअर रहेंगे जो पहले भारतीय बनते हैं 100 मिलियन क्रॉस करते हैं भाई, 100 मिलियन प्लस। विश्व प्रसिद्ध है भाई खिलाड़ी विराट कोहली, क्रिकेट किंग। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो गया भाई, आगे बढ़ते हैं। चलिए याद रखें उस क्वेश्चन को, बन सकता है एग्जाम में। अब देखिए ये क्वेश्चन कई बार पढ़ चुके हैं आप लोगों के लिए, रिवीजन क्वेश्चन है तो उम्मीद है आप लोग अच्छे से रट गया होगा ये क्वेश्चन। आइजोल किस नदी के किनारे, अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया था तो आप बिल्कुल ही गलती नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए बिल्कुल तो 17 करेंगे आप लोग, राइट आंसर क्या होगा, आइजोल किस नदी के किनारे स्थित है ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए आइजोल की बात आपसे कही जा रही है कि किस नदी के किनारे स्थित है, तो याद रखिए राइट आंसर हमारा क्या बनेगा, तवांग रिवर, जो ऑप्शन आपका ए पर दिया गया है। सी गलत हो जाएगा, मनोज पढ़ चुके हैं हम इसके बारे में, जिसका बिल्कुल ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन ए पर हमारा दिया गया है तवांग रिवर, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा ए पर यहाँ पर दिया गया है, सी गलत हो जाएगा। पढ़ चुके हैं हम दो बार पढ़ चुके हैं इस क्वेश्चन के बारे में कि आइजोल जो है आपका किस राज्य की राजधानी है, बताइए फटाफट किस राज्य की आपकी ये जो है राजधानी है आइजोल, जिस जो कि आपका किस नदी के किनारे है, तो याद रखिएगा तवांग रिवर रहेगी आपकी, तवांग रिवर। ये पूछा जाता है एग्जाम क्वेश्चन, शिवांगी जी वेरी गुड मॉर्निंग। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए बिल्कुल, किसकी कैपिटल हो जाएगी भी आपकी, मिजोरम की कैपिटल हो जाएगी आइजोल, जो कि किस नदी के किनारे स्थित है आपकी, तो ऑप्शन ए पर हमारा दिया गया है तवांग रिवर, ठीक है। चलिए फिर ऑप्शन ए करेक्ट हो गया इस क्वेश्चन का, याद रखें पहले भी पढ़ चुके हैं इस क्वेश्चन के बारे में। और यहां पर रहेगा हमारा ये वाला राज्य आइजोल, ठीक है, ब्रह्मपुत्र यहाँ दूर दूर से नहीं है भाई, ब्रह्मपुत्र आपकी ये रहेगी अरुणाचल प्रदेश असम से होते हुए यहाँ पर आपकी बांग्लादेश में जाएगी, ये है आपका यहाँ पर हमको दिख रहा है मैप में आइजोल। तो किस नदी किनारे है याद रखिएगा, क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम में देखने को मिल जाए हमें। चलिए 18 करेंगे अब आप लोग, 18 का राइट आंसर क्या होगा। अब भाई 18 आपसे कहता है कि रिलेंटलेस जो है आपका निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है, किसकी ऑटोबायोग्राफी है, वो आप लोगों से यहाँ पर पूछा जा रहा है। 2019 में आती है भाई आपकी ये ऑटोबायोग्राफी, जो पूछा जा रहा है आपसे रिलेंटलेस जो है किसकी आत्मकथा है, बताएंगे सभी। चलिए सभी उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर हमारा क्या बनने वाला है। एटिंग करेंगे आप सभी, राइट आंसर हमारा क्या होगा। तो पूछा गया रिलेंटलेस किसकी आत्मकथा है, तो याद रखिए आपका एक समय आपका एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर भी रह चुके हैं, पूर्व वित्त मंत्री भी रह चुके हैं आपकी यशवंत सिन्हा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, जो ऑप्शन सी पर आपका दिया गया है, अटल बिहारी वाजपेयी जी शासनकाल के दौरान आपका ये एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर और आपका वित्त मंत्री भी हमारे रह चुके हैं, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या बनेगा, जो ऑप्शन हमारा डी सी पर दिया गया है यशवंत सिन्हा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल पहले पढ़ चुके हैं इस क्वेश्चन के बारे में, 18 का हमारा ऑप्शन सी जितने भी लोगों ने दिया है बिल्कुल ही सही आंसर हमारा यहां पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी आपसे पहले हम डिस्कस हो चुका है, ये वाला क्वेश्चन हम पहले भी पढ़ चुके हैं भाई, इस क्वेश्चन को फटाफट से आंसर आना चाहिए। इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश में किस रिवर पर है, ताप्ती, सोन, चंबल या नर्मदा। चलिए चलिए कोई नहीं, क्वेश्चन नंबर आप लोग करेंगे यहाँ पर 19 का हमारा आंसर क्या होगा। देखिए 19 हमसे कह रहा है इंदिरा सागर बांध की बात आपसे करी जा रही है यहाँ पर, तो क्या होना चाहिए सही आंसर इसका। बिल्कुल शिवांगी करेक्ट हो जाएगा, आर्यन करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का आंसर। यहाँ पर आपके इस प्रकार के कुछ बांध रहेंगे, जैसे कि हम बात करें गांधी सागर बांध, ये आपके एग्जाम में पूछा गया था लास्ट ईयर, गांधी सागर आपका बांध हो गया। एक हमारा ये हो गया जो अभी हम पढ़ रहे हैं इंदिरा सागर बांध हो जाएगा। एक और सागर बांध है आपका जिसको हम बाण सागर बांध के नाम से जानते हैं। ये तीनों ही आपके कहां पर होंगे, मध्य प्रदेश के अंदर है, ठीक है।
बाण सागर बांध भी हो जाएगा। अब ये अलग अलग नदियों पे है। गांधी सागर की बात करेंगे सुबह, ये हो जाएगा आपका चंबल रिवर पर, मध्य प्रदेश की मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में है, एमपी एग्जाम में आते हैं डिस्ट्रिक्ट रिलेटेड क्वेश्चन। वही इंद्र सागर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा भाई आपका किस पर, नर्मदा रिवर पर है, खंडवा डिस्ट्रिक्ट में। किस पर है? नर्मदा रिवर जो है आपकी उस पर स्थित रहेगा। वही बाण सागर की बात करेंगे तो ये आपका सोन रिवर पर है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या बनना चाहिए इस क्वेश्चन का, जो ऑप्शन डी पर दिया गया है। 23 अक्टूबर 1984 को इसका आपका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है। यहाँ पर इसकी नींव कौन रखते हैं, इंदिरा जी रखती हैं स्वयं, और लास्ट विजिट रहेगी आपकी एमपी में उनकी 23 अक्टूबर की। उसके बाद 31 यानी कि आपका 31 अक्टूबर 1984 को उनकी जो हत्या कर दी जाती है उन्हीं के अंगरक्षकों के द्वारा सुबह दिल्ली के अंदर। और फिर यहाँ पर एक इस जांच इसके लिए समिति बनाई जाती है जिसको हम न्यायमूर्ति ठक्कर आयोग समिति के नाम से जानते हैं। कि इंदिरा गांधी की हत्या की जांच हेतु कौन सी समिति बनती है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो ये तीनों ही आपके बांध है कहाँ पर, मध्य प्रदेश में अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, बिल्कुल, ओंकारेश्वर भी है इस पे आपका, सरदार सरोवर भी है गुजरात के अंदर, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। नर्मदा रिवर की बात करें तो भारत की पांचवी, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जीवन रेखा कही जाती है भी आपकी मध्य प्रदेश की, 1312 किलोमीटर लंबाई है, अमरकंटक से निकलती है और खंबा की खाड़ी अरिवंशी में जाकर गिर जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। अब आप लोग करेंगे 20, सिंपल सा है, फटाफट आंसर दीजिएगा। व्हाई मेनी एएफपी एक्सीडेंट पूछे जा रहे हैं आप लोगों से, यहाँ पर बताइए आंसर, किसकी ऑटोबायोग्राफी है वो आपसे पूछा जा रहा है। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों से यहाँ पर क्या कह रहा है, 20 कह रहा है आप लोगों से बाय मैनी हैप्पी एक्सीडेंट की बात आपसे करी जा रही है। तो भी हमारे उपराष्ट्रपति रह चुके हैं हामिद अंसारी, दो कार्यकाल के लिए 2007 से 2017 के मध्य। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इनके द्वारा लिखे थे। चलिए अगला करेंगे आप लोग, राइट आंसर हमारा क्या होगा, पढ़ चुके हैं तो फटाफट आंसर आना चाहिए इस क्वेश्चन का। अभी रिसेंटली क्वेश्चन बना था आपका यहाँ पर, तो पूछा गया है यहाँ पर कौन सा शब्द है जो आपका बौद्ध स्तूप की वास्तुकला से रिलेटेड है, वो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। अब 21 करना है भी आप सभी लोगों को, राइट आंसर हमारा क्या होगा। चलिए दीजिएगा आंसर, तो भाई याद रखिएगा यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा जो ऑप्शन आपका बी पर दिया गया है, हर्मिका। ये स्थान यहाँ पर हम देखें कौन सा हर्मिका कौन सा रहेगा, यहाँ पर ये वाला दिख रहा है आपको यहाँ पर, ठीक है, तो इसको कहेंगे आपका हर्मिका, जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन जो बी दिया गया करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी आपका ऐसे सीजन में पूछा गया था आपका कि गोपुरम जो है कौन सी वास्तुकला से संबंधित है, तो याद रखिएगा आपका द्रविड़ वास्तुकला से संबंधित है गोपुरम शब्द। ठीक है, गोपुरम किस में होता है आपका, द्रविड़ वास्तुकला में आपको होता है गोपुरम, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया रिसेंटली एग्जाम में। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं भी इस शब्द इसके बारे में, ये पूछा जा रहा है आपसे, हर्मिका कहते हैं भी इसको, कांची के स्तूप में भी देख सकते हैं, बौद्ध जो स्तूप उनमें देखने को मिलता है आपका ये, बिल्कुल। अब अगला करेंगे आप लोग, राइट आंसर क्या होगा। चलिए बिल्कुल गोपुरम पूछा गया था आपका यहाँ पर। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पर, वन संघर्ष के संदर्भ में आपका 1987 में नवधान्य आंदोलन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, और इस आंदोलन के तहत आपका कई सारे जो बीज बैंक है इनकी स्थापना करी गई थी यहाँ पर। तो वन संरक्षण से रिलेटेड आपका रहेगा ये वाला आंदोलन, नवधन्या आंदोलन आपका। तो पूछा आपसे ये जा रहा है यहाँ पर स्थापना किसके द्वारा करी गई थी, तो यहाँ पर प्रमुख भूमिका में रहती है कौन, वंदना सिव, जो ऑप्शन डी पर हमारा दिया गया है, बिल्कुल कविता करेक्ट हो जाएगा, हम पहले भी पढ़ चुके हैं यहाँ पर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन जो डी पर दिया गया है, वंदना सिव। ठीक है, तो वंदना सिव आपका यहाँ पर स्थापना करते हैं जिसकी नवधन्या जो मूवमेंट आपका रहता है। ठीक है, इसके तहत आपका भारत यानी भूटान सहित आपका भारत के 18 राज्यों में रहता है, और कई सारे बीज बैंकों की स्थापना की जाती है। ठीक है, अब आप लोग 23 करेंगे फटाफट से। देखिए ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम पूछा गया, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होते हैं कौन से खेल रहते हैं यहाँ पर, जहां पर पीटी उषा महिलाओं की 400 मीटर हर्डल्स की दौड़ में 0.01 सेकंड से कांस्य पदक प्राप्त करने में असफल रहती है, ये आपसे पूछ रहा है। तो एक लॉस हो जाता है हमारा यहाँ पर, इसका ब्रॉन्ज मेडल का लॉस हो जाता है, कहां पर हुआ भाई, लॉस एंजेलिस में। ठीक है, और कौन से ओलंपिक रहते हैं भाई आपके, ये आपसे पूछा जा रहा है। राइट आंसर होगा आपका 1984, ठीक है, यानी कि 1984। चलिए बिल्कुल ऑप्शन आपका अगर सी आ रहा है, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा 1984।
पायोली एक्सप्रेस के नाम से भी जानते हैं किसको हम, पीटी उषा को, ठीक है, क्योंकि केरल के पायोली में इनका जन्म होता है, इसलिए इनका जो है आपका पायोली एक्सप्रेस के नाम से भी इनको जाना जाता है। राइट आंसर होगा 1984, 1984 लॉस एंजलिस। अब देखिए अगला क्वेश्चन, पहले आप लोग पढ़ लीजिएगा फिर आंसर दीजिएगा, एक बार सभी क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर आप लोगों को आंसर देना है, बिना पढ़े आंसर मत दीजिएगा गलत हो जाएगा। प्रथम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जिनके खिलाफ संसद के द्वारा महाभियोग की कार्रवाई की गई थी, बताइए आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 स्क्रीन पर दिया गया है, आंसर करिएगा। प्रथम सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश पूछे जा रहे हैं जिनके खिलाफ संसद के द्वारा महाभियोग की कार्रवाई स्टार्ट करी गई थी, राइट आंसर हमारा क्या हुआ, एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा फिर आंसर दीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल, देखिए ये क्वेश्चन आपका यहां पर हमको तीन तरीके से देखने को मिल सकता है। चलिए अगर आपको ऑप्शन यहां पर ए आ रहा है तो क्वेश्चन आपने क्लियरली पढ़ा है, यहां पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए बनेगा, ठीक है। बिल्कुल ऋषभ, कविता एंड शिवांगी करेक्ट हो जाएगा, आप लोगों का आंसर अंजु बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो भाई न्यायमूर्ति तो वी रामास्वामी है, ये सुप्रीम कोर्ट के आपके कौन थे, जज थे, और इनके खिलाफ आपका चलाया जाता है महाभियोग की प्रक्रिया, और ये पहले सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हैं ये प्रक्रिया से गुजरने वाले। सुप्रीम कोर्ट की बात की गई यहाँ पर, अब आपसे यहाँ पर बात करी जाए कि राज्य का जो हाई कोर्ट है उसके पहले जज कौन होंगे, तो वो होंगे सौमित्र सेन, जो ऑप्शन सी पर दिए गए हैं, कलकत्ता उच्च न्यायालय के जज, ठीक है। अब राज्य हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बात करी जाए कि भाई राज्य हाईकोर्ट के पहले चीफ जस्टिस कौन है, तो भाई जुलाई 2011 में किसके खिलाफ, पीडी दिनाकरन, भ्रष्टाचार का कारण इन पर लगता है भी, इस कारण से आपका 2011 में इस्तीफा भी दे देते हैं और इन पर चला जाता है महाभियोग। ये पहले ऐसे चीफ जस्टिस होते हैं किसी हाईकोर्ट के जिनके खिलाफ ये प्रक्रिया चलाई जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन ए वाले होंगे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, ऑप्शन बी वाले पीडी दिनाकरन के खिलाफ चलाया गया, तो ये पहले चीफ जस्टिस होंगे किसी राज्य हाईकोर्ट यानी सिक्किम हाईकोर्ट के होते हैं, और पहले राज्य हाईकोर्ट की बात करेंगे जज कौन होते हैं, तो सौमित्र सेन होते हैं, ठीक है। याद रखिएगा क्वेश्चन कभी कभी आपका इस तरीके से ही पूछा सकता है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं आपका सिक्किम हाईकोर्ट के कौन रहते हैं, पीडी दिनाकरन, जो कि आपका 2011 में महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है, और ये अपना इस्तीफा दे देते हैं। ये आपका सीजीएल में पूछा गया है अभी दो दिन पहले, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एस ए जी वाई, यानी कि आपका एस ए जी वाई का पूर्ण रूप हमारा क्या है, आंसर करिएगा। ऑप्शन देख लेंगे ठीक से तो आंसर वैसे ही दे देंगे आप लोग, क्योंकि ऑप्शन इससे ज्यादा भाई बनाए नहीं गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, चलिए अब देखिए हम 25 के बात कर रहे हैं, यहां पर राइट आंसर हमारा क्या होगा, तो देखिए अभी ये पूछा गया आपसे एस ए जी वाई का पूर्ण रूप क्या है, सांसद आदर्श ग्राम योजना। अब पूछा सकता है भी कब लॉन्च करी गई, किस ईयर में, ईयर काफी होगा याद रखना, तो कब लॉन्च करी गई भी आपके यहाँ पर, इसको लॉन्च अगर आपसे पूछा जाए कब लॉन्च करी जाती है यहाँ पर, सांसद आदर्श ग्राम योजना की बात करी जाए आपसे, सांसद आदर्श ग्राम योजना, देखिए यहाँ पर इनका उद्देश्य क्या रहता है, भाई आपके जो सांसद है उसका क्षेत्र का जो क्षेत्र है उसको अच्छे से आपका यहाँ पर डेवलप करे, आदर्श ग्राम बनाए, लेकिन सांसद की शक्ल आपको नेक्स्ट चुनाव पे दिखेगी, तो अगला चुनाव होगा आपका जब ही दिखेगी। हमारे यहाँ का सांसद है वोट मिलने के बाद, वोट के टाइम पे ही जब देखा था जब आपका वोटिंग हो रही थी 2019 में, उसके बाद से आज तक मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी ना ही रियल में, सोशल मीडिया पर तो देखी होगी, सोशल मीडिया पर तो करते रहते हैं ये लोग अपना ऐड, लेकिन आपका यहाँ पर बात करें तो रियलिटी में इनकी जो है आपका शक्ल तक नहीं देखी चुनाव के बाद, 2019 में लास्ट आपके इनके दर्शन हुए थे, अब आपका 2024 में होंगे, ठीक है, अगर इनको टिकट मिलता है तो याद रखिएगा यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 2014 में लॉन्च करी जाती है आपकी, कब, 2014 में लॉन्च करी जाती है आपकी सांसद ग्राम आदर्श, सांसद आदर्श ग्राम योजना 2014 में लॉन्च करी जाती है यहाँ पर। चलिए तो राइट आंसर ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, पीएम मोदी के द्वारा उद्घाटन किया जाता है न्यू दिल्ली में इसका 11 अक्टूबर 2014 को, सांसद आदर्श ग्राम योजना, ठीक है, याद रखिए कब लॉन्च करी जाती है, हमारे लिए इतना काफी है। चलिए अब 26 करेंगे,
पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रपतियों में से किसने राष्ट्रपति के रूप में चुनाव लड़ने से पहले किसी राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया। ये उतने भी एग्जाम वाले क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं, ऐसी चीजें पूछी जाती हैं अक्सर। यानी कि भी राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने से पहले या राष्ट्रपति बनने से पहले अगर हम बात करें, हालांकि चारों ही राष्ट्रपति रह चुके हैं, राष्ट्रपति के रूप में चुनाव लड़ने से पहले किसी राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया वो आपको बताना है। बताइए आंसर। अब आप लोग 26 करेंगे यहां पर, राइट आंसर हमारा यहां पर क्या होगा? देखिए 26 का राइट आंसर हमारा क्या होगा, नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति रह चुके हैं हमारे भारत के 6वें और आपका निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र प्रेसिडेंट रहते हैं। ये हमारे हम बात करें 1956 में पहली बार जब आंध्र प्रदेश का गठन होता है उसके बाद पहले जो है आपका चीफ मिनिस्टर बनते हैं, ठीक है। तो 26 का राइट आंसर हमारा क्या होना चाहिए। इसके अलावा जल सिंह की बात करें, पंजाब के रह चुके हैं भाई आपके ये चीफ मिनिस्टर। शंकर दयाल शर्मा की बात करें तो मध्य प्रदेश का गठन नहीं हुआ था उस समय, भोपाल जो है अपने आप में एक स्टेट कहलाता था, तो भोपाल राज्य के आपके सीएम के रूप में ये कार्य कर चुके हैं, ठीक है। 1956 में फिर बनता है आपका मध्य प्रदेश, उससे पहले आपका भोपाल राज्य के क्या रह चुके हैं, सीएम रह चुके हैं। इनके अलावा हम बीवी गिरी की बात करेंगे तो भाई ये आपका हमारे भारत के 4वें राष्ट्रपति रहते हैं, 4th प्रेसिडेंट रहते हैं और स्वतंत्र रूप से चुने जाने वाले एकमात्र प्रेसिडेंट रहते हैं भारत के। 1969 से 74 तक का कार्यकाल रहता है, 1971 के वॉर के दौरान भी यही हमारे प्रेसिडेंट रहते हैं। लेकिन इनसे भी ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि भाई हमारे कौन से प्रेसिडेंट हैं जो कि आपका यूनियन लेबर मिनिस्टर भी रह चुके हैं, यानी कि श्रम मंत्री रह चुके हैं। तो 1952 से आपका 54 तक ये लेबर मिनिस्टर भी रहे हैं, यानी कि श्रम मंत्री भी रहे हैं आपके वीवी गिरी साहब, ठीक है। 1975 में इनको मिलता है भारत रत्न और भारत के 4थे एकमात्र स्वतंत्र रूप से चुने जाने वाले प्रेसिडेंट रहते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया हमारा, ए वीवी गिरी। इसके अलावा अन्य सभी क्या रह चुके हैं भाई, राज्य के आपके कौन रह चुके हैं, मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। चलिए 27 करेंगे आप लोग, और नीलम सजीव रेड्डी सबसे युवा आपके जो है कौन रहते हैं, हमारे प्रेसिडेंट रहते हैं अब तक के, आर नारायण आपके सबसे वृद्ध रहेंगे। अब आप लोग आंसर देंगे यहां पर 27 का आंसर हमारा क्या होगा, ठीक है। चलिए अब भाई 27 कहता है कि विश्व का पहला विश्व खाद्य पुरस्कार किसको दिया गया, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो ये भारतीय रहते हैं जिनको आपका पहला विश्व खाद्य पुरस्कार दिया जाता है। चलिए देखिए इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन जो सी पर दिया गया है, प्रोफेसर M.S. स्वामीनाथन, जिनको हम भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जानते हैं और इसी के चलते इनको दिया जाता है पहला विश्व खाद्य पुरस्कार। तो ज्यादातर लोगों को ऑप्शन सी आ रहा है यहां पर, कब दिया जाता है, 1987 में दिया जाता है आपका पहला विश्व खाद्य पुरस्कार। इसके अलावा हम बात करें तो रिसेंटली 2021 में भी दिया गया है किसी को, अभी 2020 में तो भारतीय मूल के अमेरिकी व्यक्ति रहेंगे डॉक्टर रतनलाल को दिया जाता है, 2021 में शकुंतला, याद रखिएगा ठीक है, डॉक्टर शकुंतला को दिया जाता है 2021 में विश्व खाद्य पुरस्कार, ठीक है। चलिए 28 करेंगे आप लोग फटाफट से, राइट आंसर क्या होगा, अक्सर एग्जाम में आता है इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किसने लिखी है, इंडिया विंस फ्रीडम की बात आपसे करी जा रही है, आंसर दीजिएगा भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 करेंगे आप लोग। अब देखिए 28 की अगर हम बात कर रहे हैं यहां पर आप लोगों से पूछ रहा है इंडिया विंस फ्रीडम किसकी है, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद जो भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर भी रहते हैं और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी मनाते हैं 11 नवंबर को इनके जन्म दिवस के उपलक्ष में। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन जो सी पर दिया गया, इस क्वेश्चन का भी हमारा सही आंसर हो जाएगा। वही बात करें अब्दुल कलाम की भी एक ऐसी पुस्तक है जो 1999 में आती है, विंग्स ऑफ फायर है, ठीक है, वो भी पूछी जाती है, इंडिया विंस फ्रीडम है ये, वो विंग्स ऑफ फायर है, ये पुस्तकें अक्सर पूछी जाती हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया हमारा। चलिए करेंगे आप लोग राइट आंसर क्या होगा अगले क्वेश्चन का, सिंपल सा है, फटाफट बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। अंबुबाची का मेला आपसे पूछा जा रहा है कि किस राज्य में प्रत्येक वर्ष लगता है अंबुबाची का मेला, और यहां पर आपका एक मंदिर रहेगा कामाख्या देवी का टेम्पल है, वहां पर आपका ये जो है मेला लगता है एवरी ईयर, किस राज्य में है भाई आपका ये, असम के गुवाहाटी में आपका ये लगता है, ठीक है, कहां पर,
असम के गुवाहाटी में लगता है, अंबुबाची का मेला कामाख्या देवी के टेम्पल में, ठीक है, कामाख्या मंदिर में आपका ये आयोजित किया जाता है। अच्छा, असम का हम क्लासिकल डांस बात करेंगे, शास्त्रीय नृत्य कौन सा है असम का, है या नहीं, फटाफट बताएंगे आप लोग, शास्त्रीय नृत्य है या नहीं असम का। बिहू तो यहाँ का आपका लोक नृत्य काफी पूछा जाता है, बिहू आपका जो त्योहार है यहाँ पर आपको बफेलो के हॉर्न का भी इस्तेमाल किया जाता है वाद्य यंत्र के रूप में। चलिए तो असम की बात करें तो सत्रिय यहाँ का क्लासिकल डांस हो जाएगा, कल डिस्कस किया था उसके बारे में हमने। अब 30 करेंगे आप लोग, राइट आंसर क्या होगा, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 करेंगे आप सभी, राइट आंसर हमारा यहाँ पर क्या बनने वाला है। तो 30 आप लोगों से कहता है कि संविधान का कौन सा भाग है जो केंद्र शासित प्रदेशों के प्रावधान इसमें दिए गए हैं, वो भाग आपको बताना है। रवि है, शास्त्रीय है वहां का, क्लासिकल डांस याद रखिएगा। अगला करेंगे आप लोग, चलिए अब अगला क्वेश्चन करेंगे आप लोग। 30 स्क्रीन पर दिया गया भाई, क्या पूछा जा रहा है, केंद्र शासित प्रदेशों की बात करी जा रही है। तो कल भी बात की थी हमने यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेशों से रिलेटेड, आपका दिल्ली को जो आपका यूटीज में जो विशेष प्रावधान दिया गया वो कौन सा आर्टिकल है उसके बारे में डिस्कस किया था। तो 243 प्रावधान दिया गया है किसके बारे में, केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में, जिसमें दिल्ली का पूछा जाता है आपका विशेष रूप से कौन सा आर्टिकल है, 239AA याद रखिएगा। 31 करेंगे आप लोग, चलिए अब ठीक चल रहा है, आंसर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, आंसर करिएगा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 31 कौन सा बैंक आपका नेशनलाइज बैंक नहीं है, तो भी 2015 में तो उसको आपको आरबीआई के द्वारा लाइसेंस प्रदान करा जाता है। तो राइट आंसर हमारा बनेगा यहाँ पर जो दिया गया है ऑप्शन बी पर, यानी कि बंधन बैंक जो है आपका एक नेशनलाइज बैंक नहीं है, इसके अलावा आप कहने रहेंगे। और अगर बात करें यहाँ पर अलाहाबाद बैंक के बारे में, इसका हेडक्वार्टर बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, अब तो हालांकि इसका मर्ज हो चुका है किसके साथ, इंडियन बैंक के साथ 2020 के अंदर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है भाई, तो कलकत्ता में रहेगा, ठीक है, इलाहाबाद बैंक का 1862 में स्थापना होती है। देना बैंक की बात करें तो भी आपको मुंबई में हेडक्वार्टर रहेगा इसका। अगर आपसे पीएनबी का हेडक्वार्टर पूछा जाए, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, लाहौर में तो इसकी स्थापना होती भी आपकी लाला लाजपत राय जी के द्वारा 1894 में। अगर आपसे पूछा जाए इसका मुख्यालय कहाँ पर है वर्तमान में, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है पीएनबी का, तो फटाफट से आप लोग एक बार कमेंट बताएंगे, ठीक है, कि भाई पीएनबी का आपका हेडक्वार्टर आखिर है कहाँ पर। ऑप्शन डी करेक्ट हो गया इस क्वेश्चन का, जितने भी लोगों का डी आ रहा है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहां पर होगा भाई पीएनबी का हेडक्वार्टर, अगर हम बात करेंगे लाल राजपत द्वारा 1894 में इसकी स्थापना होती है, 1894 में कहां पर, लाहौर में, और इसका हेडक्वार्टर भाई न्यू दिल्ली में होगा, ठीक है, यहां से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। ऑप्शन में मुंबई जरूर होगा आपका, पंजाब का कोई स्थान हो सकता है ऑप्शन में, याद रखिए कहां पर इसका हेडक्वार्टर आपका दिल्ली में है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी, बंधन बैंक, जो कि 2015 में इसको आरबीआई के द्वारा जो है बैंकिंग लाइसेंस प्रदान किया जाता है, हालांकि स्थापना इसकी काफी पहले 2001 में होती है, और चंद्रशेखर घोष जो है इसके वर्तमान सीईओ एंड फाउंडर भी हैं, ठीक है। पीएनबी का हेडक्वार्टर याद रखिएगा दिल्ली में है। अब देखिए अगला क्वेश्चन करेंगे आप लोग, कई बार पढ़ चुके हैं आप लोग, कंफ्यूज होते हैं यहाँ पर ऑप्शन में कि जो ओयलाट्टम नृत्य है ये आपका आखिर है कहाँ, किस राज्य का, ओयलाट्टम भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है वो आपको बताना है। चलिए सभी आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 32 का, 32 कहता है आपसे यहाँ पर कि ओयलाट्टम किस भारतीय राज्य का एक लोक नृत्य है, करेंगे सभी राइट आंसर हमारा क्या होगा। आरएन पीएनबी नेशनलाइज्ड बैंक है आपका, आप लोग आंसर करेंगे 32 का। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे आप लोग, राइट आंसर हमारा क्या होगा। 1969 में जो आपका होता है नेशनलाइज, उसके अंदर होता है पीएनबी का नेशनलाइजेशन। अगला करेंगे आप लोग 32 का, उत्तर हमारा क्या होगा।
याद रखिएगा राइट आंसर आपका तमिलनाडु बनेगा, जो ऑप्शन आपका ए पर दिया गया है। ठीक है, बिल्कुल तमिलनाडु का हो जाएगा भाई। क्लासिकल डांस कौन सा है? भरतनाट्यम वहां का। अब अगला करेंगे, आप लोग पूछे जा रहा है भारत के सबसे बड़े किडनी डायलिसिस अस्पताल का उद्घाटन कहां पर किया गया है, वो आपसे पूछे जा रहा है। और ये एकदम आपका यहाँ पर फ्री रहने वाला है, बाल साहेब जो गुरुद्वारा है वही आपका वहां पर किया जाता है इसका उद्घाटन, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। किडनी डायलिसिस अस्पताल के रूप में उद्घाटन यहाँ पर किया गया, जो भारत का सबसे बड़ा है किडनी डायलिसिस हॉस्पिटल, जो कि फ्री रहने वाला है, कहां पर है भाई आपका, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर हमारा बनेगा यहां पर ऑप्शन जो सी पर दिया गया है, दिल्ली इसका सही आंसर होगा। ठीक है, दिल्ली इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन आपका सी पर दिया गया है, किडनी डायलिसिस अस्पताल सबसे बड़ा यहां पर होगा, क्योंकि बाल साहेब गुरुद्वारे के अंदर इसको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट किया गया है। ठीक है, चलिए अब आप लोग करेंगे 34। यहां से भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, रिहंद बांध किस राज्य में है और किस नदी पर, ये पूछ जाता है अक्सर एग्जाम में। दिल्ली लास्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, आप लोग 34 करेंगे सभी। ठीक है, देखिए मैं 34 आपसे कहता है कि रिहंद बांध कहां पर है, तो ये आपका कहां पर होगा, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में रहेगा, सोनभद्र जिले में रहेगा उत्तर प्रदेश के में। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रिहंद रिवर पर ही है। ठीक है, रिहंद रिवर पर ही, गोविंद वल्लभ पंत सागर के नाम से भी इसको जानते हैं। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। अब अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, 35 करेंगे सभी। चलिए, भारत माता की पहली पेंटिंग की बात करी जा रही है, किसके द्वारा बनाई जाती है, वर्ष 1905 में कब बनाई जाती है भाई, 1905 में भारत माता नामक आपकी पहली पेंटिंग बनाई जाती है, पूछा आपसे इजारा भी किसके द्वारा बनाई गई थी। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट से इसका आंसर दीजिएगा भाई, राइट आंसर हमारा जो है क्या बनने वाला है। तो भारत माता की पहली पेंटिंग 1905 में बनाई जाती है, किसके द्वारा वो आपसे पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आपका पूछा गया है। चलिए क्या होगा आंसर, देखिए राइट आंसर होगा आपका अवनींद्रनाथ टैगोर, इसका सही आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन हमारा बी पर दिया गया है, अवनींद्रनाथ टैगोर इसका हमारा सही आंसर बन जाएगा, जो ऑप्शन आपका बी पर दिया गया है। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर आपका क्या हो गया यहाँ पर, ऑप्शन जो बी पर दिया गया, वर्ष 1905 में आपकी ये पेंटिंग बनाई जाती है, इसको पहला नाम दिया जाता है भारत माता की पेंटिंग कहा जाता है, वर्ष 1905 में किसके द्वारा बनाई जाती है, अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाई जाती है वर्ष 1905 के अंदर। ठीक है, चलिए भाई, तो सेशन आज का हमारा होता है यहाँ पर कंप्लीट। जितने भी लोग जुड़े फटाफट सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा, और आज रात आपसे मुलाकात 8 बजे होगी अनअकैडमी पर फ्री सेशन में, और 9 PM एक सेशन आपका यहाँ यूट्यूब पर भी रहेगा आज रात को, तो आप लोग जुड़ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, रात को 9 बजे एक सेशन यहाँ पर यूट्यूब पर भी रहने वाला है आज, और 8 PM रहेगा आपका अनअकैडमी पर करंट अफेयर का सेशन, तो उसमें भी आप लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए बाकी जिन लोग प्लस सब्सक्रिप्शन लेना भी एसपी स्टडी गोल्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, फिलहाल आपका अगस्त ऑफर चल रहा है, जिसमें आपका 2 ईयर पर सब्सक्रिप्शन पर 6 मंथ की एक्शन वैलिडिटी आपको मिल जाएगी, यूज करिएगा भी इस कोड का। बाकी फॉलो कर लें अनअकैडमी पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। 8 PM क्लास होगी आज अनअकैडमी पर, रात को 9 बजे मुलाकात होगी यहाँ पर आपसे यूट्यूब पर आज। ठीक है, चलिए थैंक यू ऑल, जितने भी लोग आज सेशन में जुड़े, अब आपसे मुलाकात कब होने वाली है, रात को 8 बजे अनअकैडमी पर, और रात को 9 बजे मुलाकात होगी आपसे यहाँ फिर से आज यूट्यूब पर 9 PM। ठीक है, थैंक यू ऑल, जितने भी लोग सेशन में जुड़े, सेशन को लाइक जरूर करिएगा भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर रखें, जिससे आपको यहाँ पर कुछ नया मिलती रहेगा भाई, हर घंटे सेशन रहते हैं यहाँ पर, तो आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी 9 PM आपसे फिर से मुलाकात होगी यूट्यूब पर आज, तो याद रखिएगा उस सेशन के बारे में भी थोड़ा सा। ठीक है, चलिए बिल्कुल, अंजू शिवांगी, आर्यन, रवि, कविता, शिवांग, ऋषभ, थैंक यू ऑल, मुलाकात होगी आपसे भी अगले सेशन में, रात को 8 बजे, अब तक पढ़ते रहे भी सभी लोग अच्छे से। चलिए थैंक यू ऑल, जितने भी लोग सेशन में आज आप सभी जुड़े, और क्लास का टाइम मैंने आपको बता दिया है डेली, ये तो सुबह चलता है आपका 9 बजे, जहाँ पर आप जुड़े हो 9 बजे भी डेली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता ही रहेगा। इसके अलावा आपको आज रात को 8 बजे अनअकैडमी पर सेशन होगा आपका, फ्री सेशन होने वाला है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है प्रोफाइल की, और फिर से आपका 9 बजे मुलाकात होगी यहाँ इसी चैनल पर यूट्यूब पर, एक और सेशन आज आपका
रहने वाला है। ठीक है, तो रात को 9 बजे आप लोग विजिट कर लें सभी लोग चैनल पर। ठीक है, बाकी प्रोफाइल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। अनअकैडमी की जो प्रोफाइल है वहां पर आप डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हैं नाम से। ठीक है, फर्स्ट टाइम अगर कहीं भी आप जुड़ते हैं तो यूज करिएगा एसपी स्टडी बोर्ड फ्री कोर्सेज को अनलॉक करने के लिए। ठीक है, चलिए, हमसे मराठी बिल्कुल नहीं आता भाई, नहीं आता।